हेलो गेट्स इट फ्लायर्स, दिस इज गौरव एंड एंटी मैटर। वो मैटर है जिससे बना एक 75 किलो का एवरेज इंसान अगर गलती से भी आपके कांटेक्ट में आ गया तो उससे 1.5 लाख न्यूक्लियर बॉम्ब्स इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा। वंस अगेन, 1.5 लाख न्यूक्लियर बॉम्ब्स इतना बड़ा एक्सप्लोजन। यस, एंटी मैटर कैन नॉट टच मैटर। पर आखिर एंटी मैटर में इतनी एनर्जी आती कहां से? एंड बस जरा सोचो कि इसी एंटी मैटर से बना पूरा प्लैनेट आखिर कैसा दिखता होगा, वो कहां एग्जिस्ट करता होगा और उसके अंदर की दुनिया कैसे होती होगी। एंड द मेन क्वेश्चन इज कि अस बीइंग ऑफ मैटर, क्या हम कभी एक एंटी मैटर यूनिवर्स में कदम रख पाएंगे? एनीवे, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डिड यू नो कि आपकी खुद की बॉडी हर घंटे करीब 180 एंटी मैटर यानी एंटी इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन्स बना रही होती है? तो क्या एंटी मैटर यूनिवर्स माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में हमारे ही अंदर बसा हुआ है? इफ यस, तो फिर आखिर क्यों हम खुद ही ब्लास्ट नहीं हो जाते? वेल, ये एंटी मैटर की दुनिया ना कहीं पर भी बसी हो, लेकिन आज मैं गौरव आपको ले चलूंगा ये दिखाने कि व्हाट वुड एन एंटी मैटर यूनिवर्स एग्जैक्टली लुक लाइक। सो कम ऑन, फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स राइड अलोंग। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इसी वीडियो में मैं आपको आगे टेस्ला, यस दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के शेयर्स भी दूंगा फ्री में आगे। बट वेट, अभी जस्ट हमने बात की 1.5 लाख एटम बॉम्ब्स इतने बड़े एक्सप्लोजन की। डोंट यू थिंक हमें वहां जाने से पहले इस एंटी मैटर और उससे बने यूनिवर्स के बारे में एटलीस्ट कुछ बेसिक जानकारी दिमाग में रख लेनी चाहिए, जस्ट टू बी प्रिपेयर्ड। सो क्या होता है ये एंटी मैटर? वेल, जब बिग बैंग हुआ था ना, तब दो तरह के पार्टिकल्स बने थे इन इक्वल अमाउंट्स। एक था मैटर, जो अगर लेट्स से प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से बना होता है, तो दूसरा आधा था एंटी मैटर, जो एंटी प्रोटॉन्स, एंटी न्यूट्रॉन्स और एंटी इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है, ताकि यूनिवर्स में स्टेबिलिटी बरकरार रहे। पर क्या ये दोनों किस्म के पार्टिकल्स हर मामले में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं? नहीं, सीपीटी सिमेट्री की थियरी के अनुसार ये दोनों तरह के मैटर्स अगर एक दूसरे से हर मामले में ऑपोजिट बने तो फिजिक्स के सारे लॉज वायलेट हो जाएंगे और पूरा फिजिक्स कोलैप्स हो जाएगा। और इसीलिए फिजिसिस्ट ने फॉर्मुलेट किया है कि ये दोनों मैटर्स सिर्फ तीन ही चीजों में एक दूसरे से सिमेट्रिकल हो सकते हैं। पहला है कॉन्जुगेशन ऑफ चार्ज, दूसरा है पैरिटी ऑफ डिमेंशंस, जिसको हम सिंपली ऑपोजिट एक्स वाई जी एक्सिस कह सकते हैं, और तीसरा है टाइम। बाकी वहाँ फोर्सेस और एनर्जी का लेन देन बिल्कुल हमारे यूनिवर्स जैसा ही चलता है, प्रीटी मच लाइक हाउ स्क्वायर रूट्स वर्क, जिसमें अगर आप 4 का स्क्वायर रूट निकालो तो उसके दो आउटकम्स निकलते हैं, +2 एंड -2, जो इक्वल ही है, बस उनका चार्ज ऑपोजिट है। पर आखिर ये ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स बनते ही क्यों है? Well, देखो, क्वांटम फील्ड थियरी में से क्वांटम थियरी ये कहती है कि मैटर एक ही समय पर एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि फील्ड थियरी के हिसाब से मैटर एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, देयर आर जस्ट मल्टीपल फील्ड्स, जिसमें किसी इलास्टिक कपड़े की तरह जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके रिपल्स यानी वेव्स बनते हैं, तो उन रिपल्स को ही हम उस फील्ड के पार्टिकल्स कहते हैं। लेकिन मैटर की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की कहानी की तरह ही हमारी लाइफ में भी बहुत सी चीजें हैं जो होती तो है, बस हमें नजर नहीं आती। जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट्स, जिनकी ग्रोथ हमारे इंडिया में बहुत ही कम दिखाई देती है। पर इसकी एक वजह शायद ये भी है कि हम आज टेस्ला, अमेज़न जैसी मल्टीनेशनल कंपनी से घिरे होने के बावजूद, बहुत से अमेरिकन कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज करने के बावजूद, इन मल्टी मिलियन डॉलर्स वाली कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे और प्रॉफिट बस यही कमा रहे हैं, हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। बैक टू द फील्ड थियरी, जो कहती है कि मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसको मैंने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है बहुत सारे पिछले क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियोस में, जिसे आप जस्ट यूट्यूब पे सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हो, गेट्स इट फ्लाई साइंस क्वांटम मैकेनिक्स या गेट्स इट फ्लाई क्वांटम थियरी। बट इस वीडियो के लिए मैं एक एग्जांपल देके आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रिपल्स बने, जो कि एक अलग ही फील्ड है, तो उन रिपल्स को हम फोटोन पार्टिकल्स कहते हैं, और क्वार्क फील्ड, जो कि एक अलग फील्ड है, में रिपल्स बने तो हम उन्हें क्वार्क पार्टिकल्स कहते हैं, जो 6 तरह के होते हैं। जब इन्हीं 6 में से कोई भी 3 क्वार्क अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में साथ आते हैं, तो उनसे अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं। लेकिन न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, यानी यहाँ जैसे ही क्वार्क्स बनते हैं, उनके मिरर काउंटरपार्ट्स एंटी क्वार्क्स भी उसी के साथ बनते हैं, जिनका बस चार्ज और स्पिन ऑपोजिट होता है। मतलब एंटी प्रोटॉन जो होगा वो प्रोटॉन जितना ही भारी होगा, बस उसका चार्ज नेगेटिव होगा, और एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन जितना ही हल्का होगा, बस पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। एंड आई नो ये काफी सिंपल साउंड कर रहा होगा, पर असल में ये इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि जब ये सेम येट ऑपोजिट पार्टिकल्स बनेंगे तो एक दूसरे के पास आते ही क्या होगा? ये फॉर्मूला देख सकते हो आप, +2 +-2
इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डिस्ट्रॉय ईच अदर। और जितनी भी एनर्जी इन पार्टिकल्स के बनने में इस्तेमाल हुई थी वो सारी बाहर फेंकी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, जिस प्रोसेस को फिजिसिस्ट कहते हैं एनहाइलेशन। बट वेट अ मिनट, अगर ऐसा हुआ तो फिर बिग बैंग के तुरंत बाद ही सारा मैटर और एंटी मैटर एनहाइलेट कैसे नहीं हुआ? क्या वजह है कि आज यूनिवर्स में मैटर तो भर गए हैं मगर एंटी मैटर नेग्लिजिबल है? वेल, इसके पीछे दो थियरीज हैं। नंबर वन, हिग्स बोसोन पार्टिकल्स ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। नंबर टू, मैटर एंड एंटी मैटर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ बिग बैंग। पहले बात करते हैं हिग्स हाइपोथेसिस की, जिसके अनुसार क्वार्क फील्ड की ही तरह एक हिग्स फील्ड भी होती है, जिसमें जब रिपल्स बनते हैं तो उन पार्टिकल्स को हम हिग्स बोसोन्स कहते हैं। ये हिग्स बोसोन्स इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करके बनते हैं कि जब वो इस एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करके वापस अपने रेस्टिंग स्टेट में जा रहे होते हैं, तब उस रिलीज एनर्जी से क्वार्क फील्ड में एक्स्ट्रा रिपल्स बनते हैं, जिससे एक्स्ट्रा मैटर बनता है। यानी बिग बैंग की एनर्जी से तो क्वार्क फील्ड में रिपल्स आए ही और मैटर एंटी मैटर की जोड़ियां भी बनी, लेकिन साथ ही नीचे से हिग्स फील्ड में भी रिपल्स आए, जिससे बने हिग्स बोसोन्स ने एक्स्ट्रा अमाउंट में नॉर्मल मैटर बनाया। इस एक्स्ट्रा मैटर ने आगे चल के ज्यादातर एंटी मैटर को एनहाइलेट कर दिया, लीविंग ओनली द ओरिजिनली फॉर्मड मैटर बिहाइंड। Now the second theory is matter and antimatter on opposite sides of Big Bang. Quantum physicist Neil Turok के अनुसार, जैसे number system में center में zero होता है और उसके एक तरफ positive numbers होते हैं, दूसरी तरफ same magnitude के लेकिन opposite charge वाले negative numbers होते हैं, कुछ उसी तरह एक किस्सा Big Bang के वक्त भी हुआ था। नील का कहना है कि जब बिग बैंग हुआ तब एक डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल मैटर वाला यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी मैटर वाला यूनिवर्स, यानी ये एंटी मैटर यूनिवर्स बस हमारे यूनिवर्स का मिरर इमेज होगा, जहां अगर हमें जाना है तो टेक्निकली पास्ट में 14 बिलियन ईयर्स पहले हमें जाना होगा बियॉन्ड बिग बैंग। So essentially, Big Bang वो जीरो है और आप समय के नंबर लाइन में 1, 2, 3, 4 करके 14 बिलियन ईयर्स आगे पहुंच चुके हो। So आपको 14 से पहले जीरो में जाना होगा और फिर ही जीरो के बाद -1, -2, -3 स्टार्ट होगा, मतलब एंटी मैटर की दुनिया। एंड क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए दोनों कभी भी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते, और क्योंकि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आए तो ये कभी एक दूसरे को एनहाइलेट भी नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि हम एंटी मैटर की दुनिया में जाएंगे कैसे? वेल, थियोरेटिकली देखा जाए तो हम बिग बैंग के उस पार सिर्फ तभी जा सकते हैं अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें, बिकॉज थियोरी के हिसाब से अगर आप लाइट की स्पीड में ट्रैवल करते हो तो समय आपके लिए रुक जाता है, और लाइट की स्पीड से आप फास्ट ट्रैवल करोगे तो आप समय में पीछे जा सकते हो। एंड इवन देन इट वुड टेक हेल अ लॉट टाइम, क्योंकि बिग बैंग हुआ था 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स पहले, एंड इसीलिए द ओनली ऑप्शन वी हैव इज, जो हमें इंस्टेंट रिजल्ट दे सकता है, वो है अ वर्म होल। वर्म होल यूनिवर्स के स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड करके हमें आसानी से यूनिवर्स के दूसरे छोर पर लेके जा सकता है, बट इट्स नॉट सो इजी। हम मैटर के बने हुए लोग अगर वहां पर कदम भी रखते हैं तो सब कुछ एक्सप्लोड हो जाएगा। सो क्या हमारे पास उससे बचने के लिए कोई ट्रिक है? वेल, इधर आओ, कान को थोड़ा यहां पे लाओ। यस, है Techniques to survive in the antimatter universe. European Council for Nuclear Research या CERN में 2008 से ही Large Hadron Collider यानी LHC को चलाकर कई anti-protons बनाए जाते हैं और उन्हें LHC के inner walls यानी कि normal matter के contact में आने से रोकने के लिए Penning Trap नाम के एक strong magnetic device की मदद से mid space में ही suspend किया जाता है, यानी simply कहूँ तो strong magnetic field से matter और antimatter को दूर रखा जा सकता है। लेकिन इसमें लगेगा ऑब्वियसली बहुत सारा एनर्जी, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने ऑर्डिनरी मैटर से बनी किसी भी चीज को एज अ फ्यूल अपने साथ लेके जाए ताकि वहां मौजूद एंटी मैटर को उससे कॉन्टैक्ट में लाया जा सके। इसके एनहाइलेशन से जो एनर्जी पैदा होगी उसे किसी मिनी रिएक्टर की मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैग्नेटिज्म को परपेंडिकुलरली अपने साथ लेकर घूमती है। सो इन माइंड ब्लोइंग एक्सप्लोजन से हमने मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर ली। सिंपल राइट? सो नाउ दैट आपके पास एक फुल टाइम मैग्नेटिक फोर्स फील्ड है जो आपको किसी भी एंटी मैटर को छूने से बचा सकती है, यू कैन इजीली एक्सप्लोर द एंटी मैटर यूनिवर्स फॉर नाउ फॉर एटलीस्ट अ फ्यू मिनट्स। अब क्योंकि एंटी मैटर मैटर का ही मिरर इमेज है, एंटी मैटर यूनिवर्स में देखा जाए तो हर चीज उसी के तरह दिखाई देगी,
जैसे हमारे यूनिवर्स में दिखाई देती है। फर्क बस इतना होगा कि ये एक तरह का मिरर वर्ल्ड होगा, एक्सेप्ट ऑब्वियसली यहाँ की हवा, पानी या खाना आपकी जान ले सकता है, क्योंकि भले ही वहाँ का पानी H2O ही होगा और उसी तरह दिखाई भी देगा जैसे हमारे यूनिवर्स में दिखाई देता है, पर उसमें दोनों हाइड्रोजन एटम्स नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे और ऑक्सीजन एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड। यानी मुंह में ही जाते हैं उसके नेगेटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन और पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन, हमारे शरीर में मौजूद पानी के पॉजिटिव हाइड्रोजन और नेगेटिव ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएंगे और बूम, हमारे चीथड़े उड़ जाएंगे। सो थोड़ा बहुत घूम सकते हैं लेकिन भूख लगेगी तो फिर से वापस घर निकलना पड़ेगा। अब भाई लोग, क्या आपको पता है हमारे यूनिवर्स में एंटी मैटर इतना महंगा है कि आप इसके बस 1 ग्राम क्वांटिटी से पूरे चाइना जैसे देश को 3 बार खरीद सकते हो। एंड नो, आई एम नॉट जोकिंग, इट्स ट्रू। बस 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत 62.5 ट्रिलियन US डॉलर्स है, चाइना की टोटल GDP का 3 गुना। नो वंडर इट इज द कॉस्टलीस्ट मटेरियल ऑन अर्थ। पर आखिर क्यों है ये इतना कॉस्टली? Well, because of 2 reasons, rarity and antiqueness. Rarity इसीलिए क्योंकि Fermilab का Tevatron Particle Accelerator अब तक सिर्फ 15 nanograms जितना ही antimatter प्रोड्यूस कर पाया। CERN के LHC ने बनाया है सिर्फ 1 nanogram और जर्मनी के ड्यूशे इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन ने बनाया है अप्रोक्सीमेटली 2 nanograms। मतलब इन टोटल सो फार सिर्फ इतना ही एंटी मैटर हम बना पाए हैं कि उसकी एनहाइलेशन एनर्जी से कुछ लाइट बल्ब्स ही जला पाए। और एंटीकनेस इसीलिए क्योंकि भाई हम इन एंटी मैटर सोवेनियर्स को एटलीस्ट 14 बिलियन साल पास से लेकर जाने वाले हैं। आई मीन, अगर हम पृथ्वी को बिना उड़ाए उसे सेफली यहाँ ला पाए तो। सो क्या हमें एंटी मैटर के लिए एक्चुअली इतना टाइम ट्रैवल वगैरह करना पड़ेगा? Yes, I mean, after all, हमारी खुद की बॉडी हर घंटे करीब 180 एंटी इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन्स बनाती है, वो भी सिंपली केले खा के। Yes, that's one mind-blowing fact. Actually, bananas और अन्य कई food items में potassium और carbon के heavy radioactive isotopes मौजूद होते हैं, जो जब decay होते हैं तो positron emit करते हैं। अब वो अलग बात है कि हम इन्हें detect नहीं कर सकते क्योंकि बनते ही ये positively charged electrons या positrons हमारे शरीर के normal electrons से टकरा कर गायब हो जाते हैं और पीछे रह जाती है बस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशंस। खैर, नाउ दैट यू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द एंटी मैटर एंड इट्स यूनिवर्स, एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है जो आई थिंक हम सभी को सोचना चाहिए। व्हाट इफ हम उस गहरे पानी में रहने वाली मछली के तरह हैं, जिसे ये लगता है कि पानी में तैरने के लिए जो फिजिक्स के लॉज इस्तेमाल होते हैं बस वही यूनिवर्सल लॉज है। हालांकि मछली को क्या पता कि क्लियरली There is a world out there on the land and in the air, जहाँ रहने वाले जीवों को पानी की बॉयंसी ना मिलने के कारण हर रोज ज्यादा ग्रेविटी का सामना करते हुए चलना पड़ता है। यानी सिंपली पुट, क्या हम फिजिक्स कोलैप्स होने के डर से एंटी मैटर पर जबरदस्ती अपने फिजिक्स के लॉस थोप कर अपने नॉलेज को लिमिट कर रहे हैं? एंड क्या हम एंटी मैटर यूनिवर्स की तलाश में 13.8 बिलियन ईयर्स पीछे जाने को तैयार है? एंड व्हाट इफ वो यूनिवर्स मैटर है और हम एंटी मैटर? आपको क्या ख्याल है इस बारे में? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोक देना। गेट सेट बाय साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसे ही आगे नॉलेजेबल वीडियोस आपको देखते रहने हैं तो। सी यू इन अनदर वन फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।